आज हमारे साथ गुप्ता जी हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है कैरियर काउंसलिंग के लिए। ही इज आस्किंग द ऑप्शंस कि कौन सी कंट्री के लिए इनके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इनके साथ हम डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके लिए ऑप्शंस हर एक कंट्री के अंदर है। हर एक कंट्री में इस स्टूडेंट को विदाउट एनी प्रॉब्लम एडमिशन और वीजा मिलने के पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले गुप्ता जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम जो जनरल डिस्कशन हम करते हैं, सबसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे बारे में, क्राउन इमिग्रेशन के बारे में आपको कहाँ से पता चला, सर यूट्यूब से ही पता चला कब से फॉलो कर रहे हैं? सर। यू वुड बी सरप्राइज बट मैं आपको 2018 से फॉलो कर रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा है। 2018 से फॉलो करते हैं, 2018 से फॉलो कर रहे हैं, और 2018 से लेकर आज 22 हो चुका है। आपने मेरी अकेली वीडियोस तो नहीं देखी होगी। जब वीडियोस हम देखते हैं तो साथ में अदर लोगों के भी ऑप्शंस निकलते हैं। फिर भी आपने हम पे ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट करने के बाद हमसे रजिस्ट्रेशन की है, तो सबसे पहले मैं इसका थैंक्स करूंगा। और जो हमारी वीडियोस रहती हैं वो कैसी हैं? सर वो बहुत इंफॉर्मेटिव है सर। मैं भी क्रॉस चेक करता हूँ गूगल के थ्रू और ठीक मुझे है, ठीक आपकी ही मतलब जेन्यून लगती है। ठीक ठीक कि लगता है कि हाँ कुछ तो ना आप, कुछ फैक्ट बताते हैं। हाँ सर ये ट्रू है। और जैसे आपने अभी रिसेंटली बताया कि फिनलैंड ने 4 इयर्स में पीआर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया है वो भी मैंने चेक किया। तो वेरी ये गुड, सब मुझे और सब कंसल्टेंसी की वीडियो में अभी तक नहीं मिला है। वो पहली ठीक वीडियो आप ही की थी। ठीक 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 तो केशव जी तो फॉर कहाँ? लेटेस्ट अपडेट सर मैं आप ही की वीडियो फॉलो करता हूँ। वही अब गुप्ता जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं जमशेदपुर झारखंड से। झारखंड के हैं, और झारखंड में सब ठीक ठाक है? हाँ सर बेसिकली अभी गवर्नमेंट, मैं तो कोलकाता में हूँ। मैं यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। अच्छा, झारखंड गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही हाँ सर वो तो है पूरा जोर लगा हुआ है। अभी तो लोग देखो पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। चलो एनी हो, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं आप कोलकाता में? सर मैं सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी तो दिस इज द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या डीम यूनिवर्सिटी है? प्राइवेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी सर। यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस स्टार्ट करेंगे आपके साथ। आप थोड़ा अपनी एज बताएंगे क्या है? सर 20 इयर्स ओल्ड आपकी हायेस्ट एजुकेशन क्या है? सर। मैं बैचलर डिग्री कर रहा हूँ लास्ट ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर। बैचलर कौन सी स्ट्रीम में है? बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। तो दिस इज आई थिंक 3 इयर्स डिग्री यस सर। आपका। आई थिंक सो सीजीपीए 9 चल रहा है हाँ फॉर द फर्स्ट 3 सेमेस्टर अबव 9 है। अब 9। वेरी गुड, तो आपके 10th 12th में क्या परसेंटेज हैं? 10th में आई गॉट अराउंड 83% एंड इन 12th इट वॉज 87%। एक्सेलेंट प्रोफाइल, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल देख ली हमने, बहुत अच्छा है। तो जहां पर आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं स्टैटिस्टिक में, तो यहाँ की फीस कितनी है एक सेमेस्टर की जिस यूनिवर्सिटी फॉर माई मेरी तो फीस सर फॉर सेमेस्टर इट इज अराउंड 21,000। 21,000 एक सेमेस्टर की, ठीक है। यस तो पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे फादर सर एक स्वीट शॉप रन करते हैं। ठीक है, तो अभी आप ऑप्शंस कहाँ के लिए देखना चाहते हैं? मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी फिनलैंड ही सर अगर स्कॉलरशिप मिली तो। स्कॉलरशिप में क्या है कि अभी उसमें एक्सपीरियंस प्लस आपके अपने कितने एफर्ट्स हैं, आपकी एसओपी कैसी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी कैन पुट द एप्लीकेशन, बट इट विल बी नॉट फॉर दिस इनटेक, इट विल बी फॉर सितंबर इनटेक 2023। यस सर आई विल अप्लाई फॉर दैट यस, ओनली। सिंस योर डिग्री इज नॉट कंप्लीटेड दैट रीजन। तो उसमें आपने IELTS, आपने मुझे लिखकर भी बताया था कि यू विल टेक आई थिंक 7 और मोर। सर मैंने 11th ऑफ अगस्त को आईएलटीएस दिया है। आई गॉट 7 अच्छा, ओवरऑल। ऑलरेडी ले लिया है, ग्रेट, इट इज वेरी गुड अचीवमेंट, बहुत अच्छे लिए हैं। तो वी कैन पुट द एप्लीकेशन
इन फिनलैंड स्कॉलरशिप के साथ भी, अनदर कंट्रीज के साथ में मैं ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको फ्री में मिल सकते हैं। कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया, कंट्री का नाम है जर्मनी, तो कंट्री का नाम है हंगरी। ओके तो देयर आफ्टर स्कॉलरशिप वाली जो कंट्री है, जैसे हम फिनलैंड ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी वी कैन ट्राई इट कि क्या हो पाएगा, लेकिन पेड़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे मिलने के चांसेस पूरे हैं। अच्छा। और सर मैंने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट 2 इयर्स फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखा है। अच्छा, नहीं आपके पास अलायंस फ्रेंच करके एक बॉडी है, उसका सर्टिफिकेट है B1 का या B2 का या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी कोई एग्जाम मैंने नहीं दी है। अच्छा तो विदाउट दैट तो सर्टिफिकेशंस दे आर नॉट कंसिडरिंग इट, दिस इज द प्रॉब्लम। अभी को फ्रांस ओके में जाना है तो फ्रांस में वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी ये लेकर चाहिए 4-5 हज़ार यूरो से लेकर 6-7 थाउज़ंड यूरो की फीस आएगी आपको, अगर फ्रांस में भी इफ यू आर लुकिंग समथिंग, अच्छा। वहां पर भी आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो 4,000, 3,000, 5,000 इतने तक की फीस आएगी। इवन स्विट्जरलैंड में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वहां पर नहीं मिल पाएगा, वहां पर भी आई कैन ट्राई इट, वहां पर भी फीस इतनी की आएगी, क्योंकि सर्विस सेक्टर्स आपसे रिलेटेड प्रोग्राम्स इन दीज कंट्रीज है बहुत ज्यादा, इवन आपने सर्च भी किया होगा। हाँ सर, हाँ, आपको अब मैंने फ्रांस देखा वहां पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी उतनी नहीं है कहाँ पे? हाँ, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में दिस इज अ ड्रॉबैक, इट इज वेरी गुड, और मैं आपका प्रेज करता हूँ कि आपने इसकी रिसर्च की है, 6 मंथ का है वहां पे। हाँ, तो दैट रीजन मैं इसको इग्नोर करता हूँ, बट लोगों का क्रेज रहता है कि मैंने वहां पे जाना है, स्विट्जरलैंड में है, तो अभी रोक तो सकता नहीं हूँ। तो इन हाँ कंट्रीज में सर, पोस्ट स्टडी परमिट बहुत अच्छा है, फ्रांस जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया है, फिनलैंड रिकमेंड किया है, ऑस्ट्रिया में 1 साल का है, जर्मनी में आपको 18 मंथ का मिलेगा यहाँ पे पोस्ट स्टडी परमिट्स। बट सर फ्रांस और फिनलैंड में तो आपको 2 इयर्स है ना। हाँ, टू दो वहां पे 2-2 साल के, फ्रांस और फिनलैंड। अच्छा। हाँ, और सर व्हाट अबाउट इटली। इटली लक 50-50 उसकी उसकी भी रिसर्च की है या नहीं की है? हाँ सर मैंने तो देखे, रिजेक्शंस तो काफी है, फेसबुक में तो भरे पड़े हैं। तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप बड़ा स्मार्ट बच्चा है जो जो इस टाइप की रिसर्च करता है। लोग तो वीजे वालों की देखते हैं, जो वीजा दिखाते हैं उनके ट्रैप में जल्दी आते हैं, दे वीजा आ गया, दे हाँ वीजा आ सर, गया है। तो इस मैंने तो साल सर लाइव एक्सपीरियंस भी देखा है। अच्छा, आपके साथ हैपन हुआ है। तो नहीं सर, मेरे फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर आपके भोपाल में 2-3 कंसल्टेंट है, दे आर टेकिंग 1-1, 1.5-1.5 लाख रुपए सिर्फ अप्लाई करने का। झारखंड में, अच्छा नहीं, भोपाल में है। हाँ, इधर भी सर मतलब बहुत सारे हैं एजेंट्स जो मतलब अप्लाई करते करते अप्रोक्स 1 लाख रुपीज ले ही लेते ले हैं लेते हैं बिफोर तो वीजा। वो देखिए, वो उसके जो मेरे चार्जेस हैं, जो कंट्रीज मैंने आपको फ्री वाली बताई भी है, इवन यू कैन पुट द नेम ऑफ दैट कंट्री आल्सो, इटली, इटली भी, तो वी आर टेकिंग 20-30 थाउज़ेंड, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में, ओके। वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में विल टेक इट। 15,000 रुपये पहले लूंगा, 15,000 एडमिशन के बाद, जहां पर फ्री स्टडी एक्सक्लूसिवली, तो बाकी एंटायर फीस वेन द वीजा विल ग्रांट, उसके बाद वी विल टेक इट। अच्छा वैसे तो और हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, एक ही ऑप्शंस नहीं है, बट ये है कि बच्चे के साथ में हमें एफर्ट चाहिए, आपकी सपोर्ट भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अभी सतीश जी को खरीद लिया है वो सारा कुछ यही करेंगे। अभी आपको कहूँ कि एक लुक्रेटिव सी अपनी एक SOP बनाकर भेजिए जो विल इम्पैक्ट ऑन योर स्कॉलरशिप, तो आप उसके अंदर अच्छा मटेरियल डाल सकते हैं। मैंने तो वो पुराने वाला पढ़ा है, उसका पढ़ा है, उसको करके आगे डालना है। तो अगर आप उसके ऊपर एफर्ट डालेंगे कि हाँ इसके अंदर ये 2-4 क्लोजेस डाल दूं या 2-4 ऐसी लाइनें डाल दूं, तो जो पहले वाला पर्सन है उसको थोड़ा सामने वाले को अच्छा लगेगा, तो वो उसमें आपके भी सपोर्ट चाहिए। हाँ, हाँ सर, आई कैन ट्राई दैट। सर और पूछिए सर। फिनलैंड में से कितने परसेंट चांस है स्कॉलरशिप पे। लक 50-50, 50-50। हाँ एडमिशन आ जाएगा, एडमिशन के कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। हाँ, और सर फ्रांस में मतलब कितने लग जाएंगे पर ईयर कॉस्ट। मैंने आपको बताया 4,000 से 6,000 यूरो पब्लिक यूनिवर्सिटीज अच्छा सर, इन दो के अलावा और कोई में। नेशन, ऑस्ट्रिया यूरोपियन ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया जर्मनी बताया, वहां पे फ्री है।
अच्छा, यस, बैचलर डिग्री एलिजिबल है। यस यस यू हैव, वी हैव द ऑप्शंस फॉर यू। ओके, अगर सर फ्रांस का प्रोसीड करवाना हुआ तो टोटल मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना लग जाएगा, मतलब खर्चा 1 साल का टोटल इंक्लूडिंग एवरीथिंग लिविंग एक्सपेंस। नहीं, लिविंग एक्सपेंसेस 300 यूरो तक के हैं साल के, सॉरी महीने के, 300 यूरो खाना पीना रहना, तो आप वो देख लीजिए आपका कितना आएगा। तो जहां पर आपकी अगर स्कॉलरशिप आती है तो कैंपस फ्रांस की फीस बच जाएगी आपकी, वो लगेगी नहीं आपको, तो हम वैसी फीस ही देनी पड़ेगी 8,000 रुपया, तो बाकी हमारे सर्विस चार्जेस हैं। अच्छा, तो मेरे को तो मतलब यही दो ऑप्शन देख रहे हैं, फिनलैंड और फ्रांस, इधर ही अप्लाई गुड, करना है। ग्रेट, तो हम उसमें आपकी फुल हेल्प करेंगे सर, डोंट वरी। तो आपका ये फाइनल कब है, 6 मैच? सर मेरे मतलब एंड हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ जून और जुलाई। ठीक। तो उस टाइम पर, उससे पहले हमसे संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फिनलैंड का जो पोर्टल है वो आई थिंक सो जैन या फेब में खुल जाता है, वो 15-20 दिन के लिए खुलता है। और फ्रांस का फ्रांस का आपको अप्रैल तक मिलेगा, अप्रैल मई तक भी। अप्रैल में तो था। आप एक ऐसे करिए, वी कैन पुट योर एप्लीकेशन विद द प्रेडिक्टेड स्कोर, उसके ऊपर वी कैन पुट योर एप्लीकेशन सर। तो आपके अच्छा, आपके स्कूल से प्रेडिक्टेड स्कोर का आपने लेना है, पिछली जो आपके 5 सेमेस्टर्स की है, यू कैन प्रोवाइड मी द ट्रांसक्रिप्ट्स, देयर आफ्टर यू विल टेक द प्रेडिक्टेड स्कोर ऑफ योर फाइनल फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द कॉलेज। तो वो लेने के बाद वी ओके। कैन पुट योर एप्लीकेशन। अच्छा, तो सर मेरे को आपको कांटेक्ट क्या अप्रैल में ही करना पड़ेगा आप आपको, मुझे फिनलैंड जैन जैन में? जैन जैन फेब में, जैन फेब में, जैन और में सर उससे पहले कम, तो आप, जैन जैन में, जैन में हमें कॉन्टेक्ट करना, उससे पहले हमें सिर्फ पायलट चाहिए, वो आपने कर लिया हुआ है, दैट इज बहुत गुड और है। सर कुछ डॉक्यूमेंट्स तो प्रिपेयर करने होंगे ना, ऐसे डॉक लीगलाइजेशन। कोई उसमें इतना प्रोसेस नहीं है लीगलाइजेशन का, इन फिनलैंड और फ्रांस में देर इज नो प्रॉब्लम। ओके, ये इटली नहीं है, इटली में कई कुछ करना वाना पड़ता है, कई कुछ है प्रॉब्लम। सर एक और डाउट है, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट है वो बिहार के हैं, और मेरे हमें सारे डॉक्यूमेंट। इवन आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट अगर फॉरेन कंट्री के भी हैं, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, नॉट ए प्रॉब्लम। हाँ, बट ये है कि आपके पास उनकी आईटीआर, इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरते हैं या नहीं भरते, वो जरूरी होनी हाँ, चाहिए। हाँ वो तो बस, है। हाँ फिर कोई देर इज नो एनी प्रॉब्लम। और बैंक के अंदर एटलीस्ट 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए दिखाने को चाहिए। अच्छा, मिनिमम 10 लाख। मिनिमम 10 लाख फॉर दिस वन, इसका 9 लाख रुपए हम दिखाते हैं फिनलैंड का, तो जब फ्रांस में डालते हैं वहां पर हम 15 लाख रुपए, 12 से 15 लाख रुपए दिखाते हैं। अच्छा, मैं तो इतने ही क्वेरीज थे, आप हाँ ये जी अप्लाई तो इतने ही मेरे डाउट्स ठीक है, अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है तो फंड्स और आपके रिड्यूस हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसी, अगर स्कॉलरशिप इफ दे विल ग्रांट। थे। अच्छा, ठीक है गुप्ता जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और मैं ये कहूंगा कि हर एक बच्चे को आप जैसा एक्टिव होना चाहिए, फॉरेन कंट्री में जाना है, एटलीस्ट रिसर्च जो आपने बहुत अच्छी की हुई है, तो बहुत बढ़िया लगा ऐसे बच्चों से बात करके। तो ठीक है, इसको फिर क्लोज करते हैं, ठीक है सर, तो वेट करेंगे आपका जेन इंटेक, जेन तक। ठीक है जी, थैंक यू, नमस्कार, ओके धन्यवाद। सर।